इस विद्या भवन से मैं कुछ तो पा जाऊंगा। बापू तेरी पगड़ी को थोड़ा यश दिलाऊंगा। नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं MR भाटिया और आज के इस व्लॉग में हम चंबा के PG कॉलेज के एक स्टूडेंट से बात करेंगे और उससे पूछेंगे कॉलेज के बारे में और कुछ और भी सवाल करेंगे। आइए चलते हैं आज के अपने इस व्लॉग में आगे। नमस्कार बेटा। नमस्कार सर। बेटे अपने बारे में कुछ बताएं। सर मेरा नाम बिंदु ठाकुर है और PG कॉलेज चंबा में BA फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। बिंदु ठाकुर जी आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं लिल भरमौर से बिलोंग करता हूँ। क्या आप लिल से हर दिन PG कॉलेज चंबा के लिए अप डाउन करते हैं? नहीं सर, यहाँ पे मैंने क्वार्टर रखा है। आपने क्या रखा है? सर मैंने आर्ट्स रखा है। आपके मेजर और माइनर क्या हैं? सर मेरा मेजर है पब्लिक आर्ट और माइनर है एजुकेशन। आपके पीरियड का टाइम क्या है? सर मेरे पीरियड का टाइम है, मैं पब्लिक आर्ट का पीरियड लगता है पूरे 10 बजे और 10:20 तक ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो है एजुकेशन की क्लास लगती है 12:40 पे, 1:20 पे ख़त्म हो जाती है। इन सब्जेक्ट के अलावा आप किसी और एक्टिविटी में शामिल हैं? सर मैंने NCC रखी है। आप प्रिंसिपल सर और प्रोफेसर के बारे में कुछ बताएं। हमारे प्रिंसिपल सर बहुत ही अच्छे हैं, हमारे प्रोफेसर हमें अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? सर अब सबका अपना अपना एम है, सबका अपना अपना गोल है। इस कॉलेज के सभी स्टूडेंट बहुत ही अच्छे हैं। बिंदु ठाकुर जी ये बताएं कि आपका एम क्या है? सर मैं एक लिल से छोटे से गांव से हूँ और मेरे मम्मी पापा ने बहुत ही मेहनत की है, मैं आज PG कॉलेज चंबा तक पहुँचा हूँ। और सर मैंने मेरे मम्मी पापा एक छोटे से किसान हैं और मैं इसके बाद जो BA फाइनल करके आगे कोशिश करूँगा और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करूँगा। बिंदु ठाकुर जी आपने बताया कि आप लिल के एक छोटे से गांव से आते हैं और आपके मम्मी पापा ने जो है आपको बहुत मेहनत से पढ़ाया है क्योंकि वो किसान हैं और हम जानते हैं कि किसान की मेहनत क्या होती है, और उन्होंने आपको इस PG कॉलेज तक पहुंचाया है और आपकी जो पढ़ाई में लगन है, जो आपके दिल में अपने प्रोफेसर अपने प्रिंसिपल सर के लिए इज्जत है, जो अपने कॉलेज के स्टूडेंट के लिए आपके दिल में प्यार है, ये सारी चीज़ें और जो आपका एम है, जो आपका गोल है, उसको अचीव करने के लिए आप जो एफर्ट करेंगे, जो पढ़ाई करेंगे, उसके लिए आपको शुभकामनाएं। और हिमचक्षु व्लॉग्स के व्यूवर्स के लिए आपने इतनी अच्छी बातचीत जो है वो अपने बारे में अपने कॉलेज के बारे में बताई, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। ये हमारे विद्या के भवन और इनमें गांव के बच्चे, दूर दराज के इलाकों के बच्चे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए, उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए उस उम्मीद से यहां पर आते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क मांसपेशियों नसों शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो, यही सफल होने का तरीका है। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।